So this vlog will be on the Bateshwar Temple complex. So Bateshwar is 37 kilometers north of Gwalior. Gwalior is about 360 kilometers from Delhi, and 38 kilometers north of Gwalior is the beautiful temple complex of Bateshwar, and we'll try and make a painting to capture the beauty of this complex, which is on Shiva, Vishnu, and Shakti fold of Hinduism. They should really be on the top of the tourist list in tourism list in of MP. So let's begin. कितने एरिया में हुए है? इधर भी है और उधर भी है। ये टेंपल सारे मिट्टी में गड़े हुए थे और सारे टूट गए थे। सिर्फ एक टेंपल बचा हुआ था हाँ। जो अपनी पोजीशन में अभी भी इस स्थिति में थे। फिर के मोहम्मद साहब ने आके अपनी आर्कियोलॉजी ने इनको दोबारा से डेवलप किया। तो उन्होंने तो चंबल के जो यहाँ के लोकल्स थे उनको भी जी। मनाया कि पहले हाँ हाँ काफी काफी मेहनत की है उन्होंने। उन्होंने बहुत मेहनत की है तब ये अपना आकार ले पाया है। तो ये देखिए, ये जो ककन मठ की तरह यहाँ भी जो वो टूटे पत्थरों हाँ से ये बना हुआ देखिए है। ना वो बना हुआ है। यहाँ मुझे लगता था गुजरात और कर्नाटका में ऐसा मिलता है। ये गुजरात में भी ऐसे कुछ हैं दिखे और कर्नाटका में भी। ओरिजिनल टेम्पल वो वाला है वो वाला वो पहले अपनी से था। हाँ वो पुरानी अपनी स्थिति में जब से आज तक स्थित है। ये बाकी सारे बाद में बनाए गए हैं। ये सारे बाद में जैसे जैसे देखिए ये इस तरह बनाए का हैं पत्थर मतलब है। नहीं नहीं मतलब बनाए गए हैं ये तो टूटे हुए ऐसे डले थे ऐसे अच्छा, छाट के कौन सा किस में लगेगा किस जगह अच्छा लगा था। रिकंस्ट्रक्शन हाँ करके बना। टोटल रिकंस्ट्रक्शन है ये। अकेला एक वही टेम्पल है जो ओरिजिनल स्थिति में। तो ये जो लोहे का ये रॉड है ये ये सब काम चल रहा था जब काम बंद हुआ तो ऐसे कैसा रखा हुआ है अच्छा, कंप्लीट करने के लिए। वो स्टैचू भी पड़ा हुआ है जी देखते हैं। इट्स लाइक ए थिएटर, ओपन थिएटर की तरह, ओपन थिएटर की जैसा है। चल रहा था उस समय चला अच्छा, अब आगे धीरे धीरे बंद हो मन गया। मना के नहीं नहीं जितना सेट हो रहा है। हाँ नहीं नहीं अब हो नहीं रहा ये जब से बंद ही पड़ा है। नहीं बन जाएगा कभी ना कभी तो हाँ शुरू कभी हो बनेगा जाएगा। फंड आएगा तो बनेगा। मोहम्मद साहब आगे दो आ रहे तो बन जाएगा शायद। उन्होंने एक बुक लिखी है अच्छा मलयालम में लिखी है। वहीं के थे वो शायद है ना। हाँ जी और उसका नाम है आई एम इंडियन ऐसा, मैं एक भारतीय ऐसे वाला कुछ बहुत ट्रांसलेशन में। जी जी बहुत काबिल बंदे थे वो। हाँ देखिए, जैसे उसमें बड़े पत्थर लगे हुए हैं। हाँ इसमें छोटे हैं ये। इन पे देखिए आज कितना अच्छा पत्थर पे स्टोन पे। और ये ऐसा वैसा स्टोन नहीं है देखिए इसकी क्वालिटी देखिए स्टोन की। देखिए क्वालिटी देखिए आप कितना मजबूत पत्थर होता है ये। ये तो येलोपन पे आ गया।
अभी तो एकदम प्योर व्हाइट मिलेगा मार्बल जैसा कहीं, यही ना प्योर व्हाइट में। कितने साल पुराना हो गया, 11 साल पुराना है। तो ये भी यहीं का पत्थर होगा, सारा ग्वालियर स्टोन है। ये आपको माइंस दिखाऊं ना, वो अभी देखिए वो महल जैसा भी वो रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ये ना, ये हाँ यहाँ का। तो ऐसे ऐसे ही मैंने जो बोला था ना कि कर्नाटका और गुजरात में भी ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर मिलते हैं, और एमपी में देखा पहली बार। और ये जो जैसे कटसराज नहीं है पाकिस्तान में, वैसे यहाँ नहर है। ये कितना डीप है ये तालाब का? 10 फीट गहरा है करीब करीब, ये अभी भी 10 है। ये हनुमान जी की मूर्ति अपने आप में बहुत दुर्लभ मूर्ति है। ये हनुमान जी कामदेव और रति को पैरों के नीचे रखे हुए हैं। ऐसी मूर्तियां शायद ही बहुत कम जगह देखने को मिलेंगी। या क्या ये? ये बुक है सर, इसके इसमें दिया हुआ पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। ये देखिए, पहले ये टूटे हुए इस टाइप का था, फिर इसको यहाँ बनाया। देखिए उधर साइड में, अच्छा ये सेकंड नंबर का है। ये देखिए इतना टूटा हुआ था, फिर इसको इस तरह बनाया गया जोड़ के सारे पत्थरों को। मतलब आर्कियोलॉजी, ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही करते हैं ना? हाँ ये आर्कियोलॉजी ही करते हैं। कितना काम होता है यार जी। ये देखिए ये इनकी स्थिति थी, फिर ये बाद में ये कितना अच्छा बनाया है। ये देखिए ये बनाया गया है धीरे धीरे। ये देखिए ने हेड्स ऑफ टू आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। देखिए इसको फिर चबूतरा बनाया, इस स्थिति में था पहले ये, फिर इसके बाद ये हुआ। ये देखिए ऐसे बनाया जी, ये वो सीन है, ये वो वाला मंदिर है। ये देखिए वो सामने दिख रहा है दो पिलर के पास में। ये पहले ऐसी कंडीशन में था, फिर इसके बाद ये बनाया गया इसे। ये वो आर्कियोलॉजिकल कंजर्वेशन वर्क है, 2005 में इसका स्टार्टिंग हुआ था, 2005 से 2007 के। तो दिस शुड बी इन द टॉप डेस्टिनेशंस, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन मध्य प्रदेश डेफिनेटली। ये खड़े हुए हाँ, चलिए एक ट्राई कर लेते हैं एक पेंटिंग बनाने के। फिर
सही रखा है इधर? हाँ जी। Thank you.